गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाइन्थ वाले बच्चे, सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब बच्चों, यहाँ पे हिंदी भाषा के भीतर हमारा ये जो पहला लेसन चल रहा है, दो बैलों की आत्मकथा, जिसके रचयिता है अर्थात लेखक जो है वो प्रेमचंद जी है, और उसका साहित्य प्रकार है वो कहानी है। कहानी में अब तक हमने देखा कि कल के वीडियो में कि दोनों बैल जो होते हैं वो कसाई के पास पहुंच जाते हैं। कसाई दोनों बैलों को खरीद लेता है। दोनों बैलों को लेकर वो जा रहा था, उसी समय रास्ते में दोनों बैलों ने देखा कि परिचित सा रास्ता है, जान पहचाना वाला रास्ता है, खेत भी वही है, गांव भी कुछ वही है। दोनों बैल संप करके फिर एक दूसरे के साथ सांकेतिक भाषा में बात करने के बाद दोनों भागने लगते हैं, और भागते भागते अपने थान तक पहुंच जाते हैं, अर्थात जहां पे उनको बांधा जाता था वहां पे जूरी उसी समय दरवाजे के पास बैठा हुआ था। उसने अपने दोनों बैलों को देखा और खुशी के मारे भागकर दोनों को गले लगा लिया। अब होता है ऐसा वहाँ पे कि कसाई जो है वो आ पहुँचता है और दोनों बैलों की रस्सी जो होती है वो पकड़ लेता है। जूरी कहता है कि ये मेरे बैल है, और कसाई कहता है कि मैंने इसे अभी अभी मवेशी खाने से ख़रीदा है, सो ये मेरे बैल है। लेकिन यहाँ पे जूरी जो होता है वो उसे कहता है कि ये भागकर मेरे द्वार पर खड़े हैं, इसका मतलब ये तथ्य है इस बात में कि ये दोनों बैल मेरे हैं। यहाँ पे जो कसाई होता है वो मान ही नहीं रहा था। ठीक उसी समय वहाँ पे क्या होता है, जो ये मोती होता है, ये मोती थोड़ा गुस्से वाला है और थोड़ा चंचल प्रकार का है, तो वो क्या करता है, ये जो कसाई होता है उसको सींग मारता है और फिर उसके पीछे भागता है। कसाई को भगा भगा के वो गांव की हद के बाहर छोड़ के आता है। कसाई वहाँ पे खड़ा हुआ कोसता है, गालियाँ देता है, पत्थर मारता है, और मोती वहीं पे जैसे कि उसने कोई विजय प्राप्त कर लिया हो कोई प्रतियोगिता में, इस तरह से खुशी के मारे वहीं पे वो डट के खड़ा रहता है। गांव के लोग ये सब कुछ देखते हैं, बच्चे होते हैं वो खुशी के मारे तालियाँ बजाने लगते हैं। यहाँ तक बच्चों हमने देखा था, ठीक है। अब उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पाठ बाकी है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। दड़ियल चिल्लाकर बैलों की जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा, उसी वक्त मोती ने सिंह चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। करीबन यहाँ तक हमने देखा था, ठीक है। अब उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार का है वो देख लेते हैं। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो, अगर वह मुझे पकड़ता तो वे मारे ना छोड़ता। अब ना आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। ज़रा देर में नांद में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और बीसों लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाह सा मालूम हो रहा था, उछाह यानि उल्लास, आनंद। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। अब यहाँ पे पाठ जो होते बच्चों, यहाँ पे ये पाठ ख़त्म होता है, लेकिन ये पाठ यहाँ पे जितना हमने पढ़ा पहले उसको समझ लेते हैं कि जो दड़ियल कसाई था, ये दड़ियल कसाई फिर वहाँ पे बोलता बोलता आखिरकार थक जाता है और फिर निराश और उदास होकर वहाँ से चला जाता है। मोती वापस अपने मालिक के पास आ पहुँचता है। फिर मोती और हीरा में सांकेतिक रूप से आंखों की दृष्टि से बातचीत होती है। हीरा कहता है कि मुझे तो लगा मोती कि तुम उसको मार ही दोगे, लेकिन मोती कहता है कि अगर वो मुझे मारता या पकड़ने की कोशिश करता तो मैं उसको मार गिराता। ऐसा अगर अब की बार यहाँ पर आया हमें पकड़ने के लिए तो भी मैं उसको मारूंगा,
उसने गोली भी मरवा दी तो भी कोई बात नहीं है। हमारे मतलब जीवन को कोई जीवन ही नहीं समझता, हमारी किसी को कदर ही नहीं है। जिसको जो मन में आता है वो उसी प्रकार से करता है, क्या हम में जान नहीं होती, ऐसा कौन कहता है। मोती आखिरकार थोड़ी देर में उनको जो जहाँ पे बांध के रखते थे, जिस थान थान यानी जहाँ पे गाय भैंस को बांधा जाता है, ऐसी जगह पे वहाँ पे क्या होता है, उनका जो मतलब उनकी जो थान होती है, एक बड़ा सा मतलब वहाँ पे गाय भैंस को खाने के लिए एक बड़ी सी जगह अर्थात एक कुछ बनाया हुआ जैसा होता है, उसमें उनको खली भूसा और चोकर जो है सब मिला के उसको खिलाया जाता है। तो उस थान की जगह पे दोनों खड़े हो जाते हैं, थान की जगह पे, और फिर दोनों खाने लगते हैं, दोनों भूखे होते हैं। और झुरी जो होता है वो दोनों को सहलाने लगता है, अर्थात उनके प्रति, दोनों बैलों के प्रति जो मालिक का प्रेम है वो दिखाई देता है। गाँव के लोग हैं ये तमाशा देख रहे थे और बहुत ही पूरे गाँव में जैसे एक आनंद और उल्लास जैसा छा गया था। उसी समय वहाँ पर झुरी की जो पत्नी मालकिनी यानी झुरी की जो पत्नी, जो पहले दोनों को गालियां देती थी, दोनों को कोसती थी, वापस भाग जाने के लिए, गया के घर पे जाने के लिए कहती थी, काम चोर कहती थी, आलसी कहती थी, आज वही झुरी की पत्नी दोनों को सहला रही थी, दोनों को स्नेह कर रही थी। तो बच्चों यहाँ पे ये पार्ट जो होता है ये ख़त्म होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेमचंद की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर जानवरों में भी एक दूसरे के प्रति जो इतना स्नेह होता है, आपने देखा जब यहाँ पे मोती पकड़ा जाता है तो हीरा भी उसी के साथ पकड़ा जाता है, एक की मदद करने के लिए दूसरा खड़ा हो जाता है। जब यहाँ पे जो अड़ियल सांड था वो दोनों के साथ युद्ध करता है, वो जब मोती के ऊपर हमला करता है तो हीरा भी बीच में आता है, और हीरा के ऊपर हमला करता है तो मोती बीच में आता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे की जान को बचाते हैं। और आपने ये भी देखा कि यहाँ पे शुरुआत में ही जब मालिक के जो खेत होता है, झुरी का खेत, उसमें वो जोते जाते हैं, तो वहाँ पे दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की गर्दन को झुकाने का प्रयास करते हैं ताकि जो हल्का वज़न है वो उनके गर्दन पर ज़्यादा आए, दूसरे को वज़न उठाना ना पड़े। तो इस तरह से जानवरों में भी एक दूसरे के प्रति स्नेह होता है, लगाव होता है। तो आखिरकार हम तो इंसान हैं। तो यहाँ पे इस कहानी से बच्चों हमें ये सीखने को मिलता है, अगर जानवरों में इतना प्रेम होता है तो इंसान में क्यों नहीं, इंसान इंसान को क्यों नहीं समझता है। तो यहाँ पे इस कहानी में प्रेमचंद की ये जो कहानी है वो जानवर, वैसे आपको पता होगा बच्चों कि पाठ की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में 9th में यहाँ पे, या फिर आपको पता होगा कि 8वीं में, आप जब पढ़ के आए हो संस्कृत 8वीं में भी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या संस्कृत में बहुत सारी कहानियाँ आती है जो पंचतंत्र है ना, पंचतंत्र से ली गई होती है। और आपने देखा होगा कि संस्कृत में ये जो कहानियाँ होती है वो ज़्यादातर जानवरों के ऊपर लिखी हुई होती हैं। पंचतंत्र में भी जो कहानियाँ होती है वो ज़्यादातर जानवरों के ऊपर लिखी हुई होती है। बच्चों क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जानवरों के ऊपर, सबसे पहले तो जानवरों के ऊपर लिखी हुई जो कहानी होती है वो हमें सबसे ज़्यादा पसंद आती है और हमें तुरंत याद भी रह जाती है। एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि हम टीवी देखते हैं तो टीवी में कार्टून आते हैं, तो कार्टून में जानवर ही ज़्यादातर दिखाए जाते हैं, आपने देखा होगा, उनकी आवाज़ इंसानों जैसी होती है, लेकिन यहाँ पे टीवी में जो दिखाया जाता है वो बिल्कुल जानवर, वो देखना हमें अच्छा लगता है कि कितना मतलब किस प्रकार से वो दिखता है, किस प्रकार से वो चलता है, किस प्रकार से उसके हाव भाव होते हैं। तो यहाँ पे जानवरों से भी हम किस प्रकार से रहना चाहिए ये हमें सीख मिलती है। दूसरी एक बात कि जानवर को जब हम अपने घर में पाल के रखते हैं तो उनके साथ भी उसी प्रकार का हमें आत्मीयता का व्यवहार करना चाहिए, ना कि जानवर समझ कर उसको मारना पीटना चाहिए, क्योंकि उसके साथ भी हम उस प्रकार से अच्छा सा व्यवहार करेंगे तो वो भी हमें समझेंगे, फिर हमें उनकी भाषा और उसको हमारी भाषा, हमें जानवरों की भाषा थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी और जानवर को इंसान की भाषा थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी कि मेरा मालिक क्या कहना चाहता है, अर्थात ये जानवर जो मेरे घर में है वो हमसे क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे जानवर और इंसान के बीच में जो स्नेह है, जो लगाव है, जो हमदर्दी है, जो तन्मयता है, जो विश्वास है, ये भी हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों ये छोटी सी ये जो कहानी है, इस कहानी में हीरा और मोती नाम का ये जो पात्र है उसमें से भी हमें सीखने को मिलता है कि एक जो हीरा जो है वो बिल्कुल सहनशील
सहनशीलता और शांति का प्रतीक है। वो तुरंत ही किसी के ऊपर हमला नहीं कर देता है। और जो मोती होता है वो गुस्से का और यहाँ पे चंचलता का प्रतीक है। वो किसी भी वस्तु में देर तक रुक नहीं सकता है, उसको गुस्सा तुरंत आ जाता है और ये सारी बातें। तो यहाँ से भी हमें जानवरों से भी बहुत सारे ऐसे गुण सीखने को मिलते हैं इस पाठ में, ये बात यहाँ पर बताई गई है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो हमारा पाठ है ये ख़त्म होता है। आगे वाले वीडियो में बच्चों हम यहाँ पर जो उसके प्रश्नोत्तर है उस प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। लेकिन मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ कि ये जो पाठ है, ये पाठ में जितने भी प्रश्नोत्तर की हम चर्चा करेंगे, अर्थात ये प्रश्न अभ्यास जो है, ये प्रश्न अभ्यास आपको अपने स्वाध्याय जो होता है, ये स्वाध्याय आपको अपनी कॉपी में लिखना है। घर पे बैठे बैठे आप इतना तो काम कर ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन किस तरह से, आगे वाले वीडियो में हम प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। मैं जवाब बोलती जाऊँगी, प्रश्न बोलूँगी, जवाब बोलूँगी और फिर आपको अपने साथ कॉपी लेकर बैठना है और फिर धीरे धीरे लिखते जाना है। दो तीन बार रिपीट करके सुनोगे वीडियो तो आप लिख पाओगे। अगर अब तक आपके पास कॉपी नहीं है तो मेहरबानी करके कॉपी भी ला दीजिएगा। किताब नहीं है तो किताब महत्वपूर्ण है, किताब के बगैर आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। आज हमारा ये पाठ यहाँ पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए थैंक यू।